साथ जा रहा सपोर्ट करने बिग बॉस के सेट पे मनोहर भाई को, लिफ्ट तोड़ देगा ऐसा। दोनों पड़ोसी पड़ोसी साथ साथ, अंदर जंगली जानवर वगैरह रहता है। पूरा शूटिंग का काम चालू है, पूरा लाइव चलेगा एकदम। जीतेगा मनोहर फारूक, एकदम दिल एकदम धक धक कर रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। गाइस, आज जाने वाले हम लोग फिल्म सिटी यानी गोरेगांव, जहां बिग बॉस 17 का सेट है, वहां देखने के लिए जाने वाले हैं। आज फाइनल है यानी कि 28 जनवरी, तो वहां चलते हैं और देखते हैं कौन कौन जीतता है। अभिषेक जीतता है कि मनोहर जीतता है? मेरा फेवरेट है मनोहर। अभी हम लोग खास स्टेशन पे हैं, अब यहाँ से हम लोग स्लो लोकल पकड़ के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से हम लोग जाएंगे गोरेगांव। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। संडे भी नहीं लगता, सब जा रहा सपोर्ट करने बिग बॉस के सेट पे मनोहर भाई को। मनोहर भाई को जीता है कि वापस आएंगे रात में? आज देख सकते हैं कितना भीड़ है, देख रहे भैया। तो फाइनली हम निकल चुके हैं खार स्टेशन से गोरेगांव के लिए, और ट्रेन में भीड़ काफी ज्यादा रश है। आज संडे लेकिन फिर भी ज्यादा रश है, मेरे को मालूम नहीं क्यों है गाइस। और बिल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे कितनी ऊँची ऊँची है गाइस। हम उतर चुके हैं गोरेगांव में, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग फिल्म सिटी। तो भैया जरा लिफ्ट तोड़ देगा ऐसा, ऊपर 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 देख रहे हो भैया। चश्मा लगाइए ना सर, क्या नाम है आपका? देख सकते हैं ये अपना गोरेगांव स्टेशन है। ये दोनों देखो फुल मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अरे हम तो लगा जोड़ी पास मिल गया है गाइस। गोरेगांव इससे हम लोग इच्छा ले लिए बिग बॉस सेट के लिए, तो हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, कैसे कैसे जाएंगे, कितने बजट में आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो आपको पूरा हम डिटेल इस वीडियो में देंगे, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे साथ बने रहो चाचा, यहाँ देख सकते हो अभी हम लोग को ट्रैफिक में लाके फंसा दिए। चाहेंगे चाचा जा रहे हैं, और चाचा भी हमारा इस वीडियो में पूरा साथ दे रहे हैं। बिग बॉस सेट तक साथ देंगे, देंगे ना चाचा? देंगे चाचा, चाचा हम लोग को डिस्काउंट देने वाले हैं अभी, देंगे ना चाचा? चाचा भतीजे वाली बात है, तो जहाँ पे घर वाला बच्चा की बात हो तो वहाँ पैसा किस काम की है ना, दिल मिलने की बात है ना चाचा? 100-150 तो चाचा ऐसे ही खर्चा कर देंगे मेरे ऊपर। चाचा आप कहाँ से हो? यूपी से भाई। यूपी से? हम बिहार से। बिहार पटना। आप यूपी कहाँ? भदोही जिला। कौन जिला? भदोही जिला। अच्छा, चाचा हमारे भदोही जिला से हैं और हम बिहार से हैं, दोनों पड़ोसी पड़ोसी साथ साथ है ना चाचा? 1012 तो है तरह उसका लड़का बीएमसी में। ओ भाई साहब, चाचा का लड़का बीएमसी में, क्या बात है। फिल्म सिटी जो है थोड़ा पहाड़ी इलाके में है, थोड़ा साइड इलाके में हमें भाई। देख सकते हैं रहमदुल्ला भाई अभी रिक्शे का बिल पे 60 रुपए कर रहे हैं। फिल्म सिटी पहुंचे 1100 टिकट है गाइस, अगर घूमना है तो 1100 भरो और सब जा सकते हैं हम लोग। भाई को फ्री में जाना था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई का हौसला बुलंद करने के लिए हम लोग खड़े हैं। चश्मा लगाओ, नीचे से उतर के देखेंगे जाए, थोड़ी छुपे से जाएंगे लेकिन जाएंगे। आपको हम दिखाते हैं टिकट कहाँ से कटता है, वहाँ से कटवा के अंदर जा सकते हैं 1100 रुपये का टिकट। तो देख सकते हो यही है फिल्म सिटी का टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेकर के आप यहाँ से 3 घंटे का राइड ले सकते हैं। तो देख सकते हो इसी बस टूर करते हैं 1100 है यहाँ पे टूरिस्ट का, 3 घंटे का टूर रहता है जैसे देख सकते हो। इस वैन से इसलिए लेके जाते हैं कि अंदर जंगली जानवर वगैरह रहता है, इससे खतरा रहता है, जो इसमें टूरिस्ट लोग जाते हैं इसकी वजह से इसको वैन में लेके जाया जाते हैं, लेके जाते हैं और जगह जगह पे रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर 5-10 मिनट घुमाते हैं। देख सकते हो ये फिल्म सिटी की स्टिकर लगी है, बहुत लंबी चौड़ी है, फुल एसी वाली। चलो अभी 1100 नहीं भरे हैं भाई, साना कौड़ी अच्छी थी फिल्म सिटी में दौड़ा दौड़ी। अभी हम लोग इस वाले रास्ते से पीछे ब्लैक रास्ता से निकलेंगे सुरंग से, यहाँ पे हम तीनों हैं, ये फरहान भाई है और अपना लियो। चलो चल रहे अंदर, लेट्स गो। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा शूटिंग का काम चालू। गाइस 1100 रुपये न दे करके हम लोग पैदल ही जाने का फैसला किए हैं और अंदर से फिल्म सिटी के अंदर एंट्री तो कर गए हैं, या बाकी आगे क्या होता है हमको भी पता नहीं है।
और अभी हम किसी लौंडा लड़का को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि भाई इसका कोई उपाय बताओ जो हम आसान से सुमड़ी में निकल जाए। राघा जी जा रहा है, एक लड़का मेरे को दिखा उससे बात करते हैं गाइस। चलो लेट्स गो। जा जा भाई भाई भैया। तो गाइस हम 1100 रुपये नहीं था मेरे पास, तीन जन थे ना, तो 3300 रुपये हो गए। 3300 रुपये नहीं थे, इसकी वजह से हम बस से ट्रैवल नहीं किए। जैसे देख सकते हो हमारे बगल में बस से पैदल जाने की कोशिश किए। तो कोशिश जो की अंदर जाने की, तो जो हमारी इंडियन आर्मी जो जवान है वो कुछ क्यों जा रहे, तो वो मना किए कि नहीं जाओ अंदर खतरा है पैदल, इसके वजह से हम अंदर नहीं गए। तो सॉरी गाइस, लेकिन अभी नहीं, जब हमारे पास पैसा होगा तो ज़रूर आपको पूरा सेट दिखाएंगे, फिल्म सिटी आपको दिखाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से दुखी होकर हम लोग वापस जाएंगे घर के तरफ और जाके वहीं फ़ोन में ही हम लोग देखेंगे बिग बॉस। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, जब माल आएगा तब दिखाएंगे आपको। मनोहर जीतेगा, मनोहर पूरा एकदम। हम भी वहाँ मनोहर भाई तैयार ही हैं, हम तैयार। देख सकते हो ऊपर से नीचे तक, काली कलर का जूता देखा, बूट नीचे से ऊपर नहीं। हम भी तैयार है, आज हमको वहाँ जाने नहीं मिला फिल्म सिटी में, तो हम लोग आज कांटा रोड पर बैठ कर सपोर्ट करेंगे। फिल्म सिटी में तो नहीं करेंगे लेकिन कांटा रोड पर, कांटा फिल्म सिटी घूम के आए। देख सकते हो पूरा लाइव चलेगा एकदम, जीतेगा मनोहर फारूकी, लेट्स गो। तो फिर डोंगरी आएगा, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और देख रहे हैं, एकदम दिल एकदम धक धक कर रहा है मनोहर के लिए। जीतेगा भाई मनोहर इंशाल्लाह, ये देख रहे हैं हम लोग लाइव। यहाँ देखना छोड़ना, क्या लगता है मनोहर जीतेगा? दिल धक धक कर रहा है अभी, देख सकते हो आप। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मनोहर भाई की जीत। मनोहर भाई क्या बोल रहे, मनोहर भाई की, मनोहर भाई को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलता है 50 लाख रुपए की प्राइस मनी। तो कोई बात नहीं, बिग बॉस सेट पर नहीं गए लेकिन मनोहर फारूकी को जिता दिए हम लोग। तो फाइनली आपको हम दिखाने वाले थे फिल्म सिटी। तो मेरा पर्पज था कि आपको फिल्म सिटी जाए, वहाँ का टूर कराए और वहाँ के बारे में आपको बताएं, लेकिन बैड लक, वहाँ के बारे में मेरे को नहीं मालूम था कि वहाँ जाने पे अंदर एंट्री का 1100 रुपया लगता है, अंदर का मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था और हमारा बजट भी बहुत कम था। लेकिन हमारे जाने का पर्पज ये था कि अपने मनोहर भाई को जिताए, अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ, पे ही रह करके और कांटा रोड पर आके हम सपोर्ट किए और लाइव देखे। तो फाइनली मनोहर फारूकी विनर हुआ बिग बॉस का और हमको बहुत खुशी हुई। तो गाइस मेरे को जाने और आने में काफ़ी सारा किराया लगता है और अपना पैसा लगा करके आपको वीडियो हम दिखाते हैं, ब्लॉग दिखाते हैं, टूर कराते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। पैसे तो आप नहीं दे सकते लेकिन प्यार जरूर कर सकते हैं और आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस कर दें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर जाकर मुझे फॉलो करें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों का ID RV9 ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस।